ये विजुअल्स किसी दुश्मन देश के साथ जंग के नहीं है, बल्कि दो भाजपा शासित राज्यों के बीच सीमा विवाद और जमीन को लेकर हुई हिंसा के हैं। सोमवार को असम और मिजोरम बॉर्डर पर जमकर बवाल हुआ। दोनों राज्यों के लोगों पुलिस के बीच हिंसा हुई और इसमें असम पुलिस के 6 जवान शहीद हो गए और 50 से ज्यादा घायल हैं। अभी भी पूरी तरह से ये विवाद थमा नहीं है। दोनों राज्य एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। दोनों राज्य 164 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। इनके बीच अगस्त 2020 और फरवरी में भी अंतर राज्य सीमा पर झड़पें हुई थी, लेकिन मोदी सरकार आंतरिक मसले को हल करने की जगह चुनाव प्रचार और लोगों की जासूसी करवाने में व्यस्त रही। सरकार की जिम्मेदारी होती है देश के आंतरिक मसले हल करना और सीमाओं की रक्षा करना, लेकिन सरकार ना तो आंतरिक मसले को हल कर पा रही है और ना ही सीमाओं को ही सुरक्षा दे पा रही है। हालत यह है कि चीनी घुसपैठ के बाद भी उसको जवाब देने की जगह क्लीन चिट दे दी जाती है। आज देश मोदी सरकार की कारगुजारियों की कीमत चुका रहा है। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों कलाकार हैं। वो देश के नागरिकों की जासूसी कराने, फोटो खिंचाने, प्रचार प्रसार करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिवों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की थी। उस बैठक के कुछ ही घंटों बाद इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इसका क्या मतलब है? इसका जवाब गृह मंत्री अमित शाह को देना चाहिए। आज देश की ना तो सीमाएं ही सुरक्षित हैं, ना ही आंतरिक सुरक्षा के मसले ही हल हो पा रहे हैं। भाजपा शासित राज्य आपस में लड़ रहे हैं, गोलीबारी हो रही है, बड़ी तादाद में लोगों की मौत हो रही है। इन सब के जिम्मेदार गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने पद पर बने रहने का कोई औचित्य है?